तो चिराग पासवान कल तमिलनाडु जाने वाले हैं। जी हाँ, चेन्नई पहुंचेंगे और वहां पर जो तमिलनाडु के राज्यपाल हैं उनसे वहां पर उनकी मुलाकात होनी है। बिहारियों पर जो बर्बरता पूर्ण रवैया अपनाया जा रहा है तमिलियंस के द्वारा, उसे लेकर बजाबते चिराग पासवान अब तमिलनाडु जाने के प्लान में है। ना सिर्फ प्लान में है बल्कि कल वो तमिलनाडु जाएंगे, चेन्नई वो पहुंचेंगे, जहां पर राज्यपाल से मिलने का जो समय है वो 2:45 दिया गया है। जी हां, 1:45 पर चिराग पासवान और तमिलनाडु के राज्यपाल के बीच मुलाकात होगी। क्या सच में बिहारियों के साथ बर्बरतापूर्वक रूप अपनाया जा रहा है? क्या नस्लीय भेदभाव, भाषा और क्षेत्र को लेकर बिहारी जो हैं वो हिंसा के शिकार हो रहे हैं? इस मसले को लगातार चिराग पासवान उठा रहे हैं। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों सिर्फ तमिलनाडु चल रहा है, विधानसभा का सत्र भी चल रहा है और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के बीच इसे लेकर जोरदार बहस भी हो चुका है। तेजस्वी यादव ने सिरे से इनकार किया है कि तमिलनाडु में जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं बिहारियों का ऊपर जो हमला हो रहा है वो सच नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष की मांग पर बिहार के मुख्यमंत्री ने एक प्रतिनिधिमंडल यानी एक डेलीगेट जो है वो चेन्नई भेजा भी है उन्होंने, और इसके बाद इस पर रिपोर्ट अब बन रही है। लेकिन इन सब के बीच चिराग पासवान मुखरता से इस मामले को उठा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह को उन्होंने पत्र लिखा, चेन्नई के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन को उन्होंने पत्र लिखा और साथ ही साथ बिहार के मुख्यमंत्री सीएम नीतीश कुमार को भी उन्होंने पत्र लिखा। कल पटना पहुंचे और उसके बाद तेजस्वी यादव के ऊपर वो हमलावर भी दिखे हैं। और अभी जो एक अधिसूचना जारी की गई है लोजपा रामविलास पार्टी की तरफ से, वो साफ बता रहा है कि चिराग पासवान जो हैं वो कल तमिलनाडु जा रहे हैं। देखिए, पत्र जो है वो प्रदेश मीडिया प्रभारी निशांत मिश्रा ने साझा किया है, जिसमें साफ तरीके से लिखा गया है कि तमिलनाडु में बिहार के मजदूरों के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार और मारपीट की घटना पर लोजपा रामविलास ने गहरी चिंता प्रकट की है। पार्टी के बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी निशांत मिश्रा ने यह जानकारी देते हुए बताया है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सांसद चिराग पासवान तथा जो महासचिव हैं संजय पासवान कल पूरे मामले की जानकारी लेने तमिलनाडु जाएंगे। वहां पार्टी की ओर से दोनों नेता राज्यपाल से मिलकर ज्ञापन सौंपेंगे और इस ज्ञापन के मुख्य रूप से इस मामले की पड़ताल कराना तथा बिहार के लोगों को वहां सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की मांग रखना है। तो कहीं ना कहीं बिहार में तमिलनाडु की राजनीति जो है वो अब तेज हो चली है। खासकर चिराग पासवान सबसे अधिक एक्टिव दिखे हैं और यही चिराग पासवान अब कल जो है वो चेन्नई पहुंचेंगे, तमिलनाडु रवाना होंगे और वहां पर राज्यपाल से उनकी मुलाकात होनी है। और यह मुलाकात इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि बिहार से शायद वो पहले नेता होंगे जो चेन्नई इस मसले पर जा रहे हैं। 3 दिन पूर्व जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव, वो भी चेन्नई गए थे, लेकिन चेन्नई जाने का उनका जो उद्देश्य था वहां के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के जन्मदिन में केक काटना था, जिसके बाद से ये मसला बिहार में ऑल टूल पकड़ लिया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने बजाबते इसके लिए विधानसभा घेराव किया, कुर्सी तक पट की गई और उसके जवाब में तेजस्वी यादव जब पटना आए तो उन्होंने खूब जोरदार हमला विजय कुमार सिन्हा पर किया। लेकिन मामला तब गंभीर हुआ जब नीतीश कुमार ने इसे संज्ञान में लिया और एक प्रतिनिधिमंडल उन्होंने चेन्नई रवाना कर दिया है, जिस पर रिपोर्ट अब बनाई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, चिराग पासवान, उनके साथ लोजपा रामविलास के महासचिव संजय पासवान, इनकी दो लोग जो हैं वो कल चेन्नई पहुंचेंगे और वहां पर राज्यपाल से मुलाकात करके ज्ञापन सौंपेंगे ताकि इस मामले की सही तरीके से, निष्पक्ष तरीके से जांच हो सके और बिहारियों को सुरक्षा जो है वो मुहैया कराया जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही, आप बने रहिए बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारण है, बहुत बहुत शुक्रिया।